पूरी जनता ने वोट देकर उनको बनाया, राजा बनाया, और वो भस्मासुर का काम कर रहे हैं। सबके हाथ रख के सर पे भस्म कर देंगे सबको, वो भस्मासुर बन गए हैं। बस एक शब्द कहना है, भस्मासुर बन गए। सब लोग उनको बनाए और वरदान से सबके वो बन गए। अब वो भस्मासुर का काम कर रहे हैं जो उनको बनाए हैं। जो कहा जाता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण है, अरे विकास प्राधिकरण नहीं है, विनाश प्राधिकरण है। इसको हमारी खोराबार की जनता एक विनाश प्राधिकरण के नाम से ही फेमस करेगी। और रह गए हम लोग तो मर जाएंगे, लेकिन अपने आवासों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, दोपहर में चुपके से चोरी से आके घरों पे निशान लगाते हैं और दूसरे दिन आके बुलडोजर चला देते हैं। ये गरीबों का न्याय नहीं है, ये गरीबों के कलेजे पे चला रहे हैं बुलडोजर। गरीबों के लिए नहीं है, अपराधियों पे। लोगों कहते हैं विकास दुबे अपराधी नहीं, ये खुद अपराधी है। इन्हें अपराध के कारण है ये लोग। इन लोगों को कोई जनता का कोई मोह नहीं है, इन लोगों को अपने अपनी अपनी सत्ता अपनी कुर्सी का मोह है। या जान लीजिए, गरीबों की मसीहा झूठ में बोले जाते हैं योगी जी। गरीबों के बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों की मसीहा कौन कहा जाता है? ये झूठ है, ये न्याय नहीं, अन्याय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 2 साल से चक्कर काट रही हूँ। आश्वासन पे आश्वासन मिलता था कि मकाने किसी की नहीं तोड़ी जाएंगी, और आज के मैं 4-5 दिन पहले जब गई थी, मेरे से ही मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मकान के बदले आपको मकान दिया जाएगा, डबल मुआवजा दिया जाएगा, अच्छा प्लेसमेंट दिया जाएगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए नहीं खड़े उतर रहे हैं, तो हम विधायक और सांसद से क्या बात करें? मकान में इच्छा मृत्यु हम लोग को दे दें, मकान हम नहीं छोड़ेंगे। इच्छा मृत्यु हम लोग को दे दें, मकान में बुलडोजर चलवा दें, अपने बच्चे से मुक्त कर दिया जाए, हमारा घर अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जाए। मतलब आप लोगों का मांग है अधिग्रहण से मुक्त कर, हाँ मुक्त कर दिया जाए, जीडीए द्वारा बिल्डिंग ना बनाए। हमारा जो घर है वही चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमारा टूटा फूटा झोपड़ी है, चाहे सीट हो चाहे कुछ भी हो, हमारा वही चाहिए। हमें सरकार के बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, हम लोग बिल्कुल नहीं यहाँ से हटेंगे। क्या बोल के गए थे योगी? यही बोल कर गए थे कि जिस दिन एक मकान टूटेगा हमारे ऊपर से बुलडोजर जाएगा। आज कहाँ चले गए योगी? क्या आँख में पट्टी लग गया है? कान से सुनाई नहीं दे रहा है कि जनता इतना बिलख रहा है, इतना रो रहा है, इतना तड़प रहा है, कहाँ जाएंगे सब? हाँ, सरकार बने है किस लिए? डबल मुआवजा के लिए नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, चाहिए नहीं आवाज चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए, हमें मुआवजा नहीं। जो दुन्ना तीन्ना दे मुआवजा, हमें उससे मतलब नहीं, हमारा झोपड़ी चाहिए। देखिए का कहा थी माता जी, का अपन अपन घर नहीं हमन छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, नहीं घर नहीं छोड़ा। तो ये बताएं का गुहार लगावल चाहती आपके मकान वैसे रहे? हाँ, हमन को वैसे रही मकान, सिटी बने जाता, सिटी बने जाता, सिटी पर नहीं हमन के चाहिए, सिटी में ना रह जाए, अपन अपन झोपड़ी में रह जाए, सिटी में ना रह जाए, छोड़ के अपन अपन घर में वैसे रह हमन करे। हमारे पास इसके सिवा अभिच्छा मृत्यु के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर ये चीज की जाएगी तो हम सभी गांववासी जंगल सिकरी और खोराबार इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे, और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प। देखिए, हमने सुना था कि उत्तर प्रदेश में भू माफिया है, जो गुंडा है, जो अपराधी है, उनके घरों पे बुलडोजर चलता था। लेकिन आज देखिए, पीछे एक नहीं है, दर्जनों, यहाँ पे मैं कहूँ 70-75 घरों के अब बुलडोजर चलने जा रहा है। और चाचा बता रहे हैं लगभग चार, देखिए भैया बता रहे 400 घर पे बुलडोजर चल रही है। तो ये बताइए क्या कहेंगे, जो मुख्यमंत्री साहब से क्या कहेंगे? हम लोग का मांग यही है कि जहाँ हम लोग का मकान है वही रहे, दूसरा कुछ नहीं हम लोग का मतलब है। हाँ, जिनके पास दो चार बच्चे हैं, हम लोग वही रहेंगे, हम लोग उनका बना बनाया मकान में नहीं जाएंगे। जीडीए का एक नोटिफिकेशन है लगभग 2004 में, ये आप लोगों को बताया गया है कि मतलब ये जीडीए में आ गया है, तो आप लोग 2000 क्यों नहीं खाली? 2019 में बताया गया है, 2004 में मिला है। कितना? 2019 में हमें पहला नोटिस मिला है, और नोटिस मिलने के बाद जब हमने गोरखपुर विकास प्राधिकरण में अपना जवाबदेही लगाया, तो मेरे से बोला गया कि मैम आप SLO ऑफिस जाइए। तो मैंने पूछा कि जब नोटिस मुझे गोरखपुर विकास प्राधिकरण के थ्रू मिला है, तो मैं SLO ऑफिस क्यों जाऊं? और जब मैं SLO ऑफिस पहुंची, तो SLO ऑफिस बोला कि मैम आप GDA ऑफिस जाइए। जब उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, तो हम जनता को दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर रहा है। कोई अधिकारी हमें सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे रहा है। जब यहाँ पे वो मकानों को दुकानों को तोड़ने आए, जब हमने SDM के गाड़ी का घेराव किया, तो उन्होंने बोला कि मैम
मुझे डीएम के थ्रू ये मिला है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, तो हम किसके पास जाएं अपने न्याय के लिए? बाबा के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको मकान के बदले मकान मिलेगा, आपको डबल मुआवजा मिलेगा, एक अच्छा प्लेसमेंट दिया जाएगा। इतनी घनी जब आबादी है जिसकी पैतृक मकानें टूट रही हैं और जो अपने पैतृक मकानों को तोड़ के आके यहाँ पे बसा हुआ है, ये कहाँ का न्याय है कि एक को तोड़ के और एक को उजाड़ के दूसरे को बसाया जा रहा है? हम अपनी मकानें किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये बताइए, बाबा जब कह रहे हैं कि आप लोगों को घर मिलेगा तो क्यों नहीं मान रहे हैं? हम क्यों माने ये बताइए, हमारी बात सुनिए। जब हमें अगर 4,000 रुपए स्क्वायर फीट आप मेडिसिटी के योजना के अंतर्गत अगर हम जमीन लेना चाहते हैं तो 4,000 रुपए स्क्वायर फीट है, अगर हम उनके अधिग्रहण के अंदर हैं तो हमें 2,000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन मिल रही है। हम खाने के कगार पर नहीं रहेंगे उस समय जिस समय हमारी मकान तोड़ दी जाएंगी। हम क्यों किसी फ्लैट में रहने जाएं? जो हमारे घर की बुजुर्ग माताएं हैं, क्या वो फ्लैट पे चढ़ उतर सकती हैं? कभी नहीं उतर सकती हैं। हम जहां हैं हमें वहीं नियमित किया जाए, हम अन्यथा कहीं नहीं जाने वाली हैं। और हम योगी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी खोराबार जंगल सिकरी जमुना टोला जहाँ की भी जनता है, हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। हमारे मरने के बाद ही हमारे मकानों पे चाहे बुलडोजर चलेगा चाहे कुछ भी चलेगा। बड़े दुख की बात है, देखिए एक बहन को जिस तरीके से बता रही हैं कि बहुत ही सोचने की और समझने की बात है। ये महिलाएं ये पुरुष इस गाँव के लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। ये गोरखपुर है भैया, कहा जाता है विकास GDA जो है, विकास प्राधिकरण जो है, विकास करता है लोगों को, लेकिन क्या कहेंगी माता? सरकार तो अंधी हो गई है, सरकार तो बिल्कुल एकदम अंधी है। सबका साथ है, कोई विकास नहीं है, ना किसका साथ है ना किसी का विकास है, क्योंकि लीगल तरीके से रजिस्ट्री हुई है, खारिज दाखिल हुआ है, सारे संविधान के तरीके से सारे कार्य हुए हैं, सारे कागज लीगल तरीके से कागज रहने के बावजूद भी अनलीगल हम लोग को साबित किया जाता है। कहाँ का न्याय है? क्यों न्याय मांगा? क्या किसके सामने न्याय मांगा जाए? रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं उनके पास जाइए, भरमने का कोई ये मतलब नहीं है। ये जनता जिसके पास जाना चाहती वो लोग भी वहां से हटा दिए जाते हैं। क्यों? हम लोग को इच्छा ही मृत्यु मांगी जाएगी ना। यहाँ के विधायक का आप लोग को मदद कोई मदद नहीं करता है, कोई नहीं मदद करने के लिए आगे। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 2 साल से चक्कर काट रही हूँ। आश्वासन पे आश्वासन मिलता था कि मकाने किसी की नहीं तोड़ी जाएंगी, और आज के मैं 4-5 दिन पहले जब गई थी, मेरे से ही मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मकान के बदले आपको मकान दिया जाएगा, डबल मुआवजा दिया जाएगा, अच्छा प्लेसमेंट दिया जाएगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए नहीं खड़े उतर रहे हैं तो हम विधायक और सांसद से क्या बात करें? जो हमारे यूपी का मालिक बैठा बना हुआ है वो जब हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। जो कहा जाता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण है, अरे विकास प्राधिकरण नहीं है, विनाश प्राधिकरण है। इसको हमारी खोराबार की जनता एक विनाश प्राधिकरण के नाम से ही फेमस करेगी, और रह गए हम लोग तो मर जाएंगे लेकिन अपने आवासों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये लोग, मैं कहूँ तो जो GDA है, विकास प्राधिकरण है, और एक बहन बता रही है ये विनाश प्राधिकरण हो गया है, और ये लोगों का घर जिस तरीके से बुलडोजर से गिराने की अब कोशिश की जाएगी। और देखिए एक गांव के लोग, मैं खबर कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, एक गांव के लोग सारे लोग जुट गई हैं। ये महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, शाम का समय है, ये अपना घर बचाने के लिए, मुख्यमंत्री से न्याय मांगने के लिए ये लोग भीख मांग रही हैं, दर दर भीख मांग रही है, जा रही है। अब बताइए किस अधिकारी के पास जाएं, इन लोगों को न्याय मिल जाए। इन लोगों को अगर चलिए गोरखपुर GDA इन लोगों का जमीन ले रहा है, अधिग्रहण कर रहा है, तो ये बताइए इसके बदले में इनको घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये बताइए इन लोगों को मकान मिल जाए तो ये लोग विरोध नहीं करेंगे, है कि नहीं चाचा? मौका ही नहीं मिल रहा है। दोपहर में चुपके से चोरी से आके घरों पे निशान लगाते हैं और दूसरे दिन आके बुलडोजर चला देते हैं। ये गरीबों का न्याय नहीं है, ये गरीबों के कलेजे पे चला रहे हैं बुलडोजर, गरीबों के लिए नहीं है, अपराधियों पे लोगों कहते हैं। विकास दुबे अपराधी नहीं, ये खुद अपराधी हैं, इन्हें अपराध के कारण है ये लोग। इन लोगों को कोई जनता का कोई मोह नहीं है, इन लोगों को अपनी अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी का मोह है।
या जान लीजिए गरीबों की मसीहा झूठ में बोले जाते हैं योगी जी, गरीबों की बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों की मसीहा कौन कहा जाता है, ये झूठ है, ये न्याय नहीं अन्याय है। पूरे देश में मीडिया द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा बताया जाता है कि ये तो जो मतलब गुंडे माफिया उनके घर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन आप 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 बता रहे हैं कि गरीबों को चल रहा है। ये गरीब ही जनता है ना, यहाँ गरीब ही जनता सब लोग खड़ी है, गरीब जनता जिसका पैतृक मकान है उन लोगों को घर में से निकाल दिया जाता है, कहीं से लोग खरीद के अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं अच्छी शिक्षा अच्छी दीक्षा अच्छा अच्छा स्वास्थ्य अच्छा विकास के लिए, उन लोगों के ऊपर भी निकाल दिया जाता है, अपने घरों से निकाला जा रहा है, तो कहाँ का न्याय है? और मैं कहाँ से न्याय मांगा जाए? मैं साहब से निवेदन करूंगा, जब कोई भी एक घर बनाता है तो हमें लगता है पूरी जिंदगी का कमाई उस घर में लगा देता है, और एक जिंदगी का कमाई एक घर बनाने में जब लगा देता है और तत्काल गोरखपुर जीडीए और इन लोगों का घर गिरा देगा तो इनको आंखों का आंसू कौन पोछेगा? ये बताइए, जब चुनाव आता है तीन ही माताओं बहनों को वोट लेने के लिए कहा जाता कि हम आपके हैं और आप हमारे बनिए, वोट दीजिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आज इनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। बता रही है कि कोई सांसद नहीं है, कोई इस प्रदेश का मुख्यमंत्री को, कोई भी प्रदेश का विधायक नहीं है, ना सांसद है ना मंत्री है, तो बताइए साहब इन लोगों का घर गिर जाएगा तो निवेदन है इन लोगों का घर गिराइए, लेकिन इसके बदले में अच्छा घर बना के दीजिए, क्योंकि इन लोगों को अच्छे मुआवजा देना चाहिए, और इन लोगों का निवेदन है मुख्यमंत्री साहब से भी और इस जिले के अधिकारी साहब से भी, इन लोगों को डबल मुआवजा देकर इन लोगों को घर बसाने का काम करिए, ना कि बरसात के मौसम है और बरसात के मौसम में इन लोगों का घर गिर जाएगा, ये लोग जाएंगे कहाँ, किसके घर जाएंगे? एक दूसरे के घर जाते भी तो लेकिन एक दूसरे का घर गिर जाएगा, लेकिन खाना खाने कहाँ जाएंगे? तो देखिए क्या कुछ कह रही है माता जी, क्या कह रही है? कहा था यह बाबू कि खतौना जकर उजरी तू जियत रही कि मरी की रही, जोगी बाबा लगे घैलवा ई वीडियो आपके बोली बोली तारा मंडल में हमन गई लहली दू गो पूरी एक कतरी तरकारी जोगी बाबा बटवौले रहला, अब इन्हें छः बजे सात बजे छुट्टी मिलल रात के वस के लेवैया ना रहल, अब आवल गए गो टेम्पू वाला बेचारा दया गुनल ले चौपला प्रचार करे गए बीजेपी के नहीं ये ले गए रहना प्रधान प्रधान अपने मोटर से ले गए अल एक छोड़ दे अली सब तो भाषण का देना जोगी बाबा अल जोगी बाबा जे खोरा बार गांव में हम जीडी को गोड़ नहीं डारे देव हमारे ऊपर चले हाँ रामगढ़ ताल हम पटवा देव वही पर जी डी रही हैं अखोरा बार गांव में हम जी डी के लात डारे नहीं देव आज जी डी का करता गरीब दुखिया सबके उजारता हम नाजुक थोड़न है खपड़ा का घर उजर जा लैके हमन के खतौना बनौल तब खतौना उजर जा जोगी बाबा का गोड़ धरात रहल इन्ना ना पैसा ले ले हमन के जमाना में उनकर पूजा। ये बताइए आप लोग यही रहना चाह रही हैं कि अगर जीडीएफ को घर दे वहाँ रहना चाहिए? यही रहना चाह रहे हैं, सब लोग यही रहेंगे बोलेंगे हमको। सुनिए हम एक सुनिए हम क्यों किसी का मकान तोड़ेंगे चाचा ना? जीडीए मत तोड़े, हम मकान मनान के नहीं लेंगे, हम मकान न तोड़े, मकान न तोड़े, हम अपने मड़ई में रहेंगे, उनके मकान से मतलब नहीं है। हाँ ज्यादा नहीं एक शब्द बोलेंगे, पूरी जनता ने वोट देकर उनको बनाया राजा बनाया और वो भस्मासुर का काम कर रहे हैं, सबके हाथ रख के सर पे भस्म कर देंगे सबको, वो भस्मासुर बन गए हैं, बस एक शब्द कहना है भस्मासुर बन गए सब लोग, उनको बनाए और वरदान से सबके वो बन गए, अब वो भस्मासुर का काम कर रहे हैं, जो उनको बनाए उन्हीं के सर पे हाथ रख के उनको भस्म कर देंगे। अगर अगर आप लोगों को सही मुआवजा सरकार दे दे तो आप लोग अपना जमीन घर छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़ने को राजी, अपना पैसा रखते हैं, हम लोग चला दे हम लोग।